For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. एक्ट्रेस राखी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनका एपिक डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे इतना फेमस हो जाएगा और आज भी जब ये हिट जोड़ी एक साथ आती है तो वो मोमेंट हिस्टोरिक होगा। इसीलिए एसआरके और सलमान के ट्यूबलाइट सीन्स मार्वलस थे और शाहरुख के कैमियो रोल के बाद अब सलमान एसआरके की ट्वार फिल्म के लिए एक स्पेशल सॉन्ग करेंगे। जी हाँ, आनंद एल राय की इस फिल्म में सलमान और शाहरुख का एक स्पेशल सॉन्ग होगा। इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान दोनों खान्स ने एक क्यूट सेल्फी के लिए पोस्ट किया और इस पिक्चर को देखकर मानो हमारा तो दिन ही बन गया। इस स्पेशल सॉन्ग की शूटिंग एक ही दिन में रैप अप हुई और इसकी शूटिंग यशराज फिल्म्स के स्टूडियोस में हुई थी। फैंस इस सॉन्ग की खबर सुनकर खुशी से झूम उठे होंगे और इसके लॉन्च होने का इम्पेशेंटली वेट कर रहे होंगे। तो क्या आप भी उनमें से एक है? हमें जरूर बताएं। फिल्म मेकर अलिया बाज जफर ने अपनी फिल्म सुल्तान के साथ हिस्ट्री क्रिएट की है। इस फिल्म में सलमान खान ने एक रेस्टलर के रोल में सबका दिल जीत लिया है। ये फिल्म एक ट्रूली इमोशनल रोलर कोस्टर राइड थी और फैंस ने हर मोमेंट को लिव किया है। सलमान के ऑरा का कोई कंपटीशन नहीं है और देखते ही देखते सुल्तान फिल्म को रिलीज होकर एक साल हो चुका है। ऐसे में अलिया बाज जफर ने फिल्म की कुछ अनसीन पिक्चर्स शेयर की है जिन्हें देखकर हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई। सुल्तान फिल्म ने इंडियन सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी है और अब इस हिट एक्टर डायरेक्टर जोड़ी ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। इनका अगला वेंचर है टाइगर जिंदा है, जहां सलमान खान अपनी फॉर्मर लवर कैटरीना कैफ के साथ दिखेंगे। इस फिल्म का हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आप? खैर, फिलहाल आपको सुल्तान की अनसीन पिक्चर्स देखकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। सलमान खान अपने दबंग टूर के सेकंड लेग को किक स्टार्ट करने वाले हैं। इस बार ये टूर यूके के फैंस को डिलाइट करेगा। एक बार फिर दबंग टीम में प्रभु देवा, सोनाक्षी सिन्हा, मनीष पॉल और कई एंटरटेनिंग आर्टिस्ट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अफसोस की डस्की ब्यूटी बिपाशा बासु इस सेकंड लैग का हिस्सा नहीं होंगी। टूर के टेंटेटिव डेट सितंबर मिड में स्केड्यूल की गई है और लंदन और बर्मिंगम के फैंस बेसब्री से इस डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो है ना ये खुशी की खबर, पर ऐसे में कोई नहीं जानता कि सलमान खान आखिर इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हैं। एनी गेसेस? हमें जरूर बताएं। हाँ, ऑफ कोर्स, फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिलूंगी। स्क्रीन स्पेस शेयर करना तो विल बी ऑब्वियसली द फर्स्ट टाइम आई मीट हिम आल्सो, सो आई एम एक्साइटेड। या देखते हैं। थैंक यू। देखती हूँ। बहुत हिस्ट्री रही है, ख़त्म होने वाली है। हमारे दो गाने और सलमान के साथ जो सीन है भाई के साथ वो होने वाला है। सो या ऑलमोस्ट देयर 29 सितंबर। वो हो गया ऊंची बिल्डिंग। मुझे बहुत मज़ा आया। लाइक पहली बार ऐसा था कि मैं चाहती नहीं थी कि गाना खत्म हो, चलता है टंटन हो गया, ऊंची बिल्डिंग भी हो गया। आई थिंक ये गाने ऐसे हैं, मेरे बचपन से सुनती आई हूँ, तो मेरे को मन है कि खत्म ही ना हो, आई कैन डांस ऑन देम फॉर डेज। सलमान खान कर रही है शाहरुख खान की डांस बेस्ड फिल्म में एक स्पेशल कैमियो सॉन्ग और ये खबर सुनकर हम तो खुशी से झूम ही उठे हैं। कल ही हमने दोनों खान्स की एक सेल्फी शेयर की थी जिसने सभी का दिल जीत लिया। और अब खबर आई है कि इस स्पेशल सॉन्ग में कुछ अमेजिंग देसी ट्विस्ट और टर्न्स होंगे। जी हाँ, इस सॉन्ग में एक देसी टच होगा जिसमें कई डांस स्टाइल यूज किए जाएंगे।
शाहरुख के डांसिंग स्किल्स के चर्चे तो खूब है और अब सलमान भी रेमो डिसूजा की डांस बेस्ड फिल्म के लिए डांस ट्रेनिंग ले रही है। तो अब इन दोनों टैलेंटेड स्टार्स को एक साथ डांस नंबर में देखकर फैंस तो काफी डिलाइटेड होंगे और स्टार प्रेजेंस से ये सॉन्ग एक आउट एंड आउट एंटरटेनर होगा, है ना? आपकी एक्साइटमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें। सलमान खान की बीइंग ह्यूमन वेंचर ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की है और उनके चैरिटेबल एक्ट से कई सारे लोगों की हेल्प हुई है। ये देखकर बहुत लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस ब्रांड के नाम को मिसयूज करके लोगों को फंसाया है। ये खबर सुनकर सलमान खान तो काफी अपसेट है और उन्होंने ट्विटर और बाकी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों को कॉशन किया है। उन्होंने कुछ लोगों और फेक वेबसाइट्स के नाम भी शेयर किए जिन्हें लोग बीइंग ह्यूमन समझकर फंस जाते हैं। बांद्रा बॉय ने ये भी कहा कि बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन फी, स्टैम्प ड्यूटी या प्रोसेसिंग फी नहीं चार्ज करता, ना ही बीइंग ह्यूमन कोई पर्सनल या एजुकेशन लोन देता है। ऐसे में कॉन मैन इस चैरिटेबल प्लेटफॉर्म के नाम को मिसयूज करना तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। तो इन सेल्फिश कैरेक्टर्स के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। चलो चलो भाई आगे मत जा। नई गाड़ी का वीडियो बना ले। नई गाड़ी है ये भाई, पीछे ना भाई। ओ मैडम मैडम है। अरे हटो यार, हटो हो गया। चलो बस खाली कैमरा कैमरा बचा था, कैमरा बचा। कैटरीना कैफ ने हाल ही अपनी इमोशनल मैच्योरिटी और फिलोसॉफिकल साइड दिखाया बुद्ध स्पिरिचुअल लीडर हिज होलीनेस द दलाई लामा को उनके 82nd बर्थडे पर विश किया। जग्गा जासूस स्टार ने इंस्टाग्राम पर उनकी और द दलाई लामा की एक पिक्चर पोस्ट की और साथ में उन्होंने द दलाई लामा का एक टचिंग कोट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था, मैन बिकॉज ही सैक्रिफाइसेस हिज हेल्थ इन ऑर्डर टू मेक मनी। Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present. The result being that he does not live in the present or the future. He lives as if he is never going to die and then dies having never really lived. Is message ke saath Kat ne unhe birthday wish karte hue ye likha, words that will always ring true, only love and immense respect for His Holiness on his birthday. फिल्म इंडस्ट्री में जहां लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं, कैटरीना ने फिर भी अपने स्पिरिचुअल कॉलिंग के लिए टाइम निकाल लिया। वो भी जब वो अपनी फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशंस के साथ साथ अपनी आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है और थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए शूट कर रही है। तो है ना ये काफी इम्प्रेसिव। बहुत ही जल्दी है, ख़त्म होने वाली है हमारे दो गाने और सलमान के साथ जो सीन है भाई के साथ वो होने वाला है। सो या ऑलमोस्ट देयर 29 सितंबर। ऊंची बिल्डिंग वो हो गया, ऊंची बिल्डिंग। मुझे बहुत मज़ा आया, लाइक
पहली बार ऐसा था कि मैं चाहती नहीं थी कि गाना गाता हूँ. चलता है चलता है, टंटन टन हो गया, ऊंचिया बिल्डिंग भी हो गया. आई थिंक ये गाने ऐसे हैं, मेरे बचपन से सुनती आई हूँ, तो मेरे को मन है कि खत्म ही ना हो, आई कैन डांस ऑन देम फॉर डेज. हाँ हाँ ऑफकोर्स, फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिलूंगी. स्क्रीन स्पेस शेयर करना तो विल बी ऑब्वियसली द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम आई मीट हिम ऑल्सो, सो आई एम एक्साइटेड. या देखते हैं. थैंक यू थैंक यू. अरे एक्टर ही नहीं, एक्टर ही रहने दो यार. बिकॉज दैट फिल्म इज सो बिग एंड आई लव द डायरेक्टर मिस्टर एस एस राजमौली. मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आई डब द फिल्म बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज. आई हैव सीन ऑल हिज फिल्म्स एंड फ्रॉम मगधीरा मक्खी, स्टूडेंट नंबर वन, मे बी इट्स सन ऑफ सरदार और व्हाटएवर फिल्म्स ही हैज डन. सो आई एम बिग फैन ऑफ हिज एंड it's a great opportunity for me to work with him. So I did the voicing, but honestly my profession is acting. Sir, ek mein aap jana mat jana, aage bhi karte rahenge unke liye voice overs, matlab aapki voice performance ho gayi hai paisa, it depend karta hai future pe ki kya film hai kaisi hai. I can't comment on that, but ha, again I want to work with Mr. SS Rajmouli, that is for sure. Ek cheez aur, sabki request hai ki aisa upar dekhiye na, upar ha ji. हाँ बिल्कुल बोलिए. फील के साथ अरे हमें गेस्ट इन लंदन के अब अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं इतना ही बोलता हूँ, काफ़ी है. थैंक यू.